हेलो फ्लोरेंस, निकिता इज बैक। और क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश में ट्रकों के पीछे हॉर्न ओके प्लीज क्यों लिखा होता है और क्या होगा इसका मतलब? वेल, जानेंगे हम आज के वीडियो में। ओके, इसके अलावा क्या आपको पता है कि इंडिया में एक ऐसा हार्ड से हार्ड कठिन से कठिन एग्जाम है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 0.1% लोग ही पास होते हैं और ये एग्जाम वर्ल्ड के टॉप 3 हार्डेस्ट एग्जाम्स में से भी है। लेकिन कौन सा एग्जाम है वो? और अब ये देखो, ऐसा कौन सा कॉम्पिटिशन है जिसमें दलदल के अंदर साइकिलिंग करना पड़ रहा है? फिर इन सारे क्वेश्चन का क्यों कैसे काई को रिसाइकल जानने के लिए बने रहिए आज के पुराने एपिसोड के अंत तक। प्लान नंबर 1, कीचड़ में साइकिलिंग कंपटीशन। वेल, ये है दुनिया का वर्ल्ड फेमस वर्ल्ड माउंटेन बाइक बॉक्स स्नॉर्कलिंग चैंपियनशिप, यानी बेसिकली साइकिलिंग चैंपियनशिप विद अ ट्विस्ट। क्योंकि यहाँ पे एक रोड के बदले एक 60 मीटर लंबी और 2 मीटर गहरी बॉग, यानी दलदल और कीचड़ से भरा हुआ नाला होता है। लेकिन अब आपको ये क्वेश्चन आया होगा ना कि इतनी 2 मीटर गहरी नाले में साइकिलिंग कैसे करोगे? तो अब यहाँ पे उस साइकिल को नीचे जमीन पे, मतलब दलदल के कीचड़ के जमीन पे रखने के लिए इन साइकिल्स को स्पेसिफिकली डिजाइन किया जाता है, जिसमें यहाँ के टायर्स में पानी भरा जाता है और इन साइकिल्स के पहियों में लेड भरा जाता है ताकि वो उससे हैवी होकर नीचे जमीन पर टिक सके और पानी के बहाव में फ्लोट होकर कहीं और न चले जाए। यहाँ के साइकिल राइडर्स के लिए ये रूल है उन्हें अपनी आइस पानी के सरफेस के ऊपर रखनी होती है और इन्हें एक स्नॉर्कल पहनना पड़ता है जिससे ऑब्वियसली वो लोग सांस ले सकते। वेल, ये रेस वेल्स के लॉन राइट वेल्स टाउन में ही होती है, जिसे गॉर्डन ग्रीन नाम का एक बंदा 2005 से हर साल ऑर्गेनाइज करता आ रहा है। 2005 से ये लोग ये रेस हर साल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आई एम श्योर इस रेस से बाहर निकल के बाद लोगों का यही हाल होता होगा। साला छोटी गंगा बोल के नाले में कूदा दे। फ्लर नंबर 2, बरीड इन स्टाइल। क्या आपने कभी मछली, मुर्गी, केकड़े, ईगल, शेर, एरोप्लेन, मर्सिडीज, कोका कोला बोतल, कैमरा, जूता, गन, ऐसे सब शेप की कब्र देखी है? आई नो, वी ऑर्डर ना, क्योंकि हमने तो आजकल काली, सफेद, ग्रे, ब्राउन ऐसी कब्रें देखी है, राइट? लेकिन घाना के आकरा में रहने वाली गार ट्राइब के लोगों का ऐसा मानना है कि इंसानों को ऐसे अबेबू अदेकाई, यानी ऐसे कस्टम मेड कब्रों में दफनाने से उनकी आफ्टर लाइफ अच्छी होती है और इसीलिए ये लोग हर तरह की चीजों से लेकर पेड़ पौधे, फल फूल, मछलियां, जानवर वगैरह वगैरह, मतलब सब तरीके के कब्र बनाते हैं और उसमें अपने लोगों को दफनाते हैं। इसके अलावा जहाँ पे मरने पर पूरी दुनिया शोक जताती है, वहाँ पे इंटरेस्टिंगली घाना के लोग किसी के भी मरने के बाद उसको एक त्योहार की तरह मनाते हैं। मतलब लिटरली बोलो कि डीजे रख के, मस्त गाना वाना बजा के, किसी की शादी की तरह मस्त खाना खिला के उस चीज को सेलिब्रेट करते हैं। अब ये आइडिया सर 1950s में सेठ काने क्वी का था, जिन्होंने सबसे पहले ऐसे अजीबोगरीब रंग बिरंगे चित्र विचित्र कब्र बनाए और इनके ऐसे यूनिक कस्टम मेड कब्र देखकर बाकी लोगों को भी आइडिया अच्छा लगने लगा और उन्होंने भी ये आइडिया अपनाना शुरू कर दिया। फ्लैट नंबर 3, कैनेडा में चिल्लर नहीं मांगता। अब अपने देश में जहां हम लोग रिक्शा वाले, बस वाले सब सबसे चिल्लर के लिए लड़ते हैं, वहीं पे कैनेडा में अगर आप ज्यादा चिल्लर से लेन देन करोगे तो आपको जेल हो सकती है। यस, अकॉर्डिंग टू कैनेडाज करेंसी एक्ट, एक ट्रांजैक्शन के वक्त आप ज्यादा चिल्लरों से लेन देन या फिर पेमेंट नहीं कर सकते और अगर आपने किया तो फिर उस वेंडर को पूरा राइट है कि वो पुलिस को जाके आपके खिलाफ FIR फाइल कर सकता है। और इस वियर्ड से लॉ के हिसाब से इंसान ज्यादा से ज्यादा $40 के लिए $2 के 10 चिल्लर, $25 के लिए $1 के 25 चिल्लर, $10 और $5 तक के लिए सिर्फ 10 सेंट और 5 सेंट के 10 और 5 चिल्लर ही यूज कर सकता है। इससे कम या ज्यादा हुआ तो आप जेल जाओ। अब फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट बायनमो ऑनेस्ट ट्रेनिंग ऐप। ये ऐप एप्पल स्टोर और एंड्रॉइड दोनों में अवेलेबल है, जहाँ पे आपको बड़ी कंपनी जैसे गूगल और अमेजोन के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होता है। आपको बस इसमें इनके स्टॉक्स की वैल्यू को फोरकास्ट करना होता है कि समय के साथ इनकी वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज। अब देखो, जैसे मुझे अपने एक्सपीरियंस से ये लग रहा है कि इस स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज होगी, इसीलिए मैंने 700 rupees का फोरकास्ट अप पे कर दिया। अब चलो थोड़ा सा वेट करते हैं। एंड यस, मेरा फोरकास्ट करेक्ट निकला। अब इस फोरकास्ट से कमाए हुए पैसे हम इजीली 24 आवर्स के अंदर अंदर अपने बैंक या पेटीएम में विड्रॉ कर सकते हैं। इसका मिनिमम डिपॉजिट 350 rupees है, लेकिन हमारा प्रोमो कोड यूज करने से आपका डिपॉजिट डबल हो जाएगा। इसके अलावा मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक से बायनमो डाउनलोड करने पे आपको मिलेंगे पूरे 65,000 rupees अपने डेमो अकाउंट में, ताकि आप उससे ट्रेडिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। सो अब व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? गो एंड डाउनलोड द बायनमो ऑनेस्ट ट्रेडिंग ऐप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। फ्लर नंबर 4, मैराथन भागने के लिए रैट पॉइजन। अब क्या आपको पता है कि एक वक्त ऐसा भी था जब ओलंपिक्स में मैराथन रनर्स को भागते वक्त अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए रैट पॉइजन दिया जाता था? मतलब बस इमेजिन करो यार, एनर्जी ड्रिंक के नाम पे जहर। नहीं यकीन हो रहा ना? इसका एक एग्जांपल दूं? वेल, एक बार US के सेंट लुई में हुए 1904 के ओलंपिक्स के मैराथन रेस में कुछ 32 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जहां 32 में से 18 लोगों ने तो US की कड़कती कातिल धूप से परेशान होकर
कुछ किलोमीटर दौड़ के ही अपने आप को क्विट कर दिया रेस से। लेकिन उस वक्त थॉमस हिक्स जो कि फर्स्ट आया था, उसे उसकी टीम ने अपने पैरों पर दौड़ते रखने के लिए एनर्जी के नाम पर ब्रांडी, शैंपेन और स्ट्राइची इतना पिला दिया था कि उसकी टीम को ही मदद कर उसको फिनिश लाइन तक पहुंचाना पड़ा था। अब जिनको नहीं पता, स्ट्राइची एक टाइम का रैट पॉइजन होता है। अब उस टाइम पे क्या होता था कि उस टाइम के ओलंपिक के रूल्स मैराथन के आज के ओलंपिक के मैराथन के रूल से बहुत डिफरेंट थे, इसीलिए जब हिक्स ने एक टाइम पे आके हार मान ली तो उसके सपोर्टर्स ने आके उसे स्ट्राइचिन का डोज चढ़ाया। ये स्ट्राइचिन एक तरीके का नर्वस सिस्टम स्टिम्यूलेंट है। अब ये लोगों ने इतना स्ट्राइचिन पिला दिया था कि वो लिटरली बस गिरने की हालत में आ गया था, लेकिन फिर भी इसके सपोर्टर्स ने आके इसको हेल्प किया रेस को पूरा करने। अब ऐसे रेसेस में रैट पॉइजन का यूज क्यों होता था ये तो नहीं पता, लेकिन इसके बाद से ऐसे सब चीजें बैन हो गई और इवन सपोर्टर्स का आके हेल्प करना भी बैन हो गया। फ्लर नंबर 5, इंडियाज टफेस्ट एग्जाम। अब मैं आपको एक सवाल पूछूंगी, उसका आंसर दे के बताना। और यही बाय द वे आज का फ्लर रिडल भी है। दो कुत्ते, एक कुत्ते का मुंह उत्तर में है, दूसरे कुत्ते का मुंह पश्चिम में। तो अब मुझे बताओ कि ये दोनों कुत्ते एक ही साथ एक ही बर्तन में खाना कैसे खा सकते हैं। अब मुझे बताओ कि क्या आप में काबिलियत है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप क्रैक कर सकते हो। मैं ऐसा इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये एग्जाम इंडिया के टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी में पूछे जाते हैं। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम। इस एग्जाम में जहाँ पे हर साल 50 लाख जितने स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं, तो उनमें से सिर्फ और सिर्फ 10,000 बच्चे ही सिलेक्ट हो पाते हैं। यूपीएससी एग्जाम्स 3 फेजेस में कंडक्ट की जाती है, जहाँ पे 50 लाख बच्चे सबसे पहले प्रीलिमिनरी एग्जाम देते हैं और इसमें से सिर्फ और सिर्फ 40% बच्चे ही यूपीएससी मेंस में सिलेक्ट होते हैं। फिर उसके बाद एज आई सेड 40% में से सिर्फ और सिर्फ 10,000 बच्चे ही पास होते हैं। लेकिन इसके बाद भी एंड में इंटरव्यू में आते आते ये आंकड़ा 2,000 या 3,000 तक ही हो जाता है। और इसके बाद रुको, इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 900 जितनी ही वैकेंसीज होने के कारण फाइनली सिर्फ 800 या 900 लोग ही आईएएस ऑफिसर बन पाते। मतलब कहां 50 लाख और एंड में सिर्फ 800 या 900 लोग ही आईएएस बनते। फ्लॉ नंबर 6, स्मेलिएस्ट विलेज। आई बेट यू डोंट नो कि दुनिया में एक ऐसा भी स्मेलिएस्ट विलेज है जो अपनी बदबू के कारण उसके अंदर रहने वाले लोगों का ही दम घोट रहा है। ये स्मेलिएस्ट विलेज है यूके के न्यूकासल में लोकेटेड सिल्वरडेल गांव के पास वैलीज क्वारी, जो अपने देवनार डंपिंग ग्राउंड के लिए बहुत फेमस है। अब सिल्वरडेल एक तो पहले से ही 5,000 लोगों की आबादी के साथ एक छोटा सा गांव है, और ऊपर से इस लैंडफिल की वजह से इस गांव में इतनी गंदी मटन मछली अंडे की बदबू आती है ना कि आपके नाक के बाल जल जाए। एंड ऑन अ सीरियस नोट, इस डंपिंग ग्राउंड की वजह से इस एरिया में हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे हेल्थ के लिए इतना हानिकारक गैस की क्वांटिटी इतना ज्यादा बढ़ गई है कि इसकी वजह से लोगों को सांस लेने में तकलीफ और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो रही है। अब फिलहाल तो इस लैंडफिल के मालिक रेड इंडस्ट्रीज को कोर्ट ने और एनवायरमेंटल एजेंसीज ने लीगल नोटिस तो भेजा है, और इन लोगों ने यहाँ पे कूड़ा कचरा डालने का प्रमाण तो हटा दिया है, लेकिन अब देखते हैं आगे क्या होता है। फ्लोर नंबर 7, वॉकर कोस्टर। अब बस सोचो कि आप जमीन से 10 माले की ऊंचाई पर एक रोलर कोस्टर में बैठे हो और वहां पे जाके आपका रोलर कोस्टर अटक जाता है, तो क्या होगा? अरे सोचना क्या है, एग्जैक्टली यही सिचुएशन हुआ यूके के सबसे बड़े ब्लैक पूल प्लेजर बीच के 213 फुट के ऊंचे द बिग वन रोलर कोस्टर में बैठे लोगों के साथ, जहाँ पे कुछ तो भी टेक्निकल खराबी आने के बाद वो रोलर कोस्टर ऊपर उतने ऊपर जाके अचानक से स्टॉप हो गया। लेकिन क्या आपको पता है कि यूजुअली ऐसे सिचुएशंस में रोलर कोस्टर में क्या होता है, या फिर इस सिचुएशन में इस रोलर कोस्टर में क्या हुआ था? वे लोगों को लिटरली 10 माले यानी 213 फीट की ऊंचाई से नीचे उतर कर आना पड़ा इस बीच में बनी रेड सीढ़ी के थ्रू। एंड लेट मी टेल यू, इस पूरे इंसिडेंट में कोई भी डैमेजेस नहीं हुए, किसी की भी जान नहीं गई, किसी को भी कुछ नहीं चोट लगी, और ये रोलर कोस्टर इसके इस इंसिडेंट के कुछ टाइम बाद ही फिर से शुरू भी हो गया था। फ्लोर नंबर 8, नो गणित नो शादी। 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10। क्या आपने कभी सोचा है कि ये मामूली सा फर्स्ट स्टैंडर्ड का 2 का टेबल किसी शादी में अड़चन लाकर उसकी शादी ही तुड़वा सकता है? वेल देन वेलकम टू यूपी यानी उल्टा प्रदेश, क्योंकि यहाँ पे एक दूल्हा दुल्हन ने जैसे ही शादी के साथ फेरे लेने वाले थे, वहाँ पे दुल्हन ने दूल्हे को रुका कर सिर्फ और सिर्फ 2 का पहाड़ा बोलने को बोला। अब दुल्हन के ये बियर्ड से क्वेश्चन से बाकी सारे लोग तो शॉक हो गए, क्योंकि दूल्हे वालों ने दुल्हन वाली को ये तो नहीं बताया था कि उनका बेटा अंगूठा छाप है। फिर जैसे ही दूल्हे ने बोला 2 का 2 दूनी 4, आगे का टेबल मुझे नहीं आता यार, दुल्हन ने बोला बस मेरे को उससे शादी नहीं करनी, और वो शादी लिटरली कैंसिल हो गई, याद रखो 2 के टेबल के वजह से। फ्लोर नंबर 9, हॉर्न ओके प्लीज। अब फ्लोनर्स आखिर क्यों इंडिया के ट्रक्स के पीछे ही बड़े अक्षरों में हॉर्न ओके प्लीज लिखा रहता है? दरअसल इसकी वजह ये है कि 2015 में महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट ने ये फैसला किया कि सारे ट्रक्स के पीछे हॉर्न ओके प्लीज को पेंट कर करके कंपलसरी कर देना चाहिए। अब इसके पीछे इनका आइडिया ये था कि ओवरटेक करने के वक्त एक्सीडेंट्स को हॉर्न बजाकर कंट्रोल में लाया जा सकता है। लेकिन एक मिनट, ये हॉर्न ओके प्लीज ऐसा वियर्ड सा ग्रामर का सेंटेंस क्यों? इसका रीजन ये था कि हॉर्न एंड प्लीज
हॉट पीस को सेपरेटली अच्छे से प्रोमिनेंटली दिखाने के लिए उन दोनों के बीच में ओके को डाल दिया गया, ताकि ड्राइवर्स को ये दोनों शब्द हॉर्न और प्लीज अच्छे से नजर में आए और वो उसका प्रयोग करे। अब इसके बाद ये कॉन्सेप्ट महाराष्ट्र के बाहर भी फेमस हुआ और आज आपको इंडिया के सारे ट्रकों में हॉर्न ओके प्लीज लिखा हुआ मिल जाएगा। पर महाराष्ट्र पुलिस ने इस कॉन्सेप्ट को इन्वेंट नहीं किया था, तो ये कॉन्सेप्ट का जन्म कहाँ पे हुआ? वेल फ्लानर्स, ये प्रथा वर्ल्ड वॉर टू से शुरू हुई थी, जहाँ पे दुनिया भर में डीजल की शॉर्टेज होने की वजह से ट्रक्स के इंजन केरोसिन से भरे होते थे और जिससे कई बार इंजन फटने की घटनाएं भी होती थी। और इसी कारण उन ट्रक्स के पीछे ट्रैवल करने वाले व्हीकल्स को, ताकि ये मालूम पड़े कि आगे के ट्रक में केरोसिन है, इसीलिए यहाँ पे हॉर्न ओके प्लीज पेंट किया जाता था, जहाँ पे बीच के ओके का मतलब था ऑन केरोसिन, ताकि इन केस गॉड फॉरबिड कभी वो ट्रक जिसमें केरोसिन है वो फट भी जाता है तो उसके पीछे वाली व्हीकल थोड़ी दूरी बनाए रखेगी और उसको भी हार्म नहीं होगा उसके वजह से। अब फ्लानर्स, इट्स टाइम फॉर फ्लान रिडल। मुझे बताओ कि आप लगातार सारे दिनों का नाम बोल सकते हो, वो भी विदाउट सेइंग वेडनेसडे, फ्राइडे एंड संडे। अब हमेशा की तरह इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में देने वालों को विद आज के सबसे माइंड ब्लोइंग फैक्ट कौन से लगे उसके नाम के साथ आपको मिलेगा मेरी तरफ से एक दिल। एंड आई नो आपको ये वीडियो देख के बहुत मजा आया, तो इसे लाइक करो और अपने फ्रेंड्स में भी बहुत शेयर करो। इसके अलावा अगर आपको ऐसे ही फ्लान यानी फन लर्निंग करते रहना है तो मेरे चैनल के सब्सक्राइबर को सब्सक्राइब कर दो और वो नीचे दिया गया बेल आइकन भी दबाओ विद ऑलवेज का ऑप्शन ऑन, वरना फ्लान की नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस कर दोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।